Chapter percentage. So first we will learn the definition of the percentage. What is the percentage? So the word the word cent mean hundred. जो वर्ड यहाँ पे सेंट है उसको हम हंड्रेड बोलेंगे पर सेंट मीन पर सेंट मतलब पर हंड्रेड पर हंड्रेड पर सेंट मतलब पर हंड्रेड द साइन फॉर टेज इज This one we'll write like this the sign of the percentage. So first percentage in the form of fraction. Percentage in the form of fraction? Four eight or uh, forty-eight percentage means. फोर्टी एट पर पार्ट्स ऑफ अ टोटल ऑफ हंड्रेड पार्ट्स यहाँ पे जो परसेंटेज यहाँ ये साइन जो है हम हंड्रेड करके कंसिडर करेंगे अभी फ्रैक्शन में अगर हमें परसेंटेज का फाइंड आउट करना है तो फोर्टी एट मीन परसेंटेज मीन फोर्टी एट पार्ट ऑफ टोटल ऑफ हंड्रेड तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सो फोर्टी एट आउट ऑफ हंड्रेड मीन्स फोर्टी एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो यहाँ पे ये डिवाइड होगा डिवाइड करने पर हमें ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव में आएगा ट्वेंटी फाइव पार्ट्स तो ये फ्रैक्शन में हम जो नंबर फोर्टी एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड हमें ये वो नंबर से डिवाइड करना है जहाँ पे ये नंबर जो दोनों सेम डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों सेम से डिवाइड होना चाहिए तो हमें ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फाइव आएगा तो ये फ्रैक्शन हुआ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज अगर अभी फ्रैक्शन में दिया है तो उसे हम परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करेंगे नाइन बाई ट्वेंटी फाइव दिया है नाइन बाई ट्वेंटी फाइव दिया है यहाँ पे देखो नाइन बाई ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव को हंड्रेड में आना चाहिए या फिर थाउजेंड या फिर टेन ट्वेंटी फाइव क्या है छोटा नम, बड़ा नंबर है टेन से तो नहीं आएगा तो हंड्रेड में जाएगा ट्वेंटी फाइव को अगर हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हंड्रेड आएगा तो दोनों डिनोमिनेटर नेटर अगर हम फोर से मल्टीप्लाई करें न्यूमिनेटर को भी हमें फोर से ही मल्टीप्लाई करना है नाइन बाई ट्वेंटी फाइव इंटू फोर इंटू फोर नाइन फोर जा थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड तो ये हमें परस पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो यहाँ पे नाइन बाई ट्वेंटी फाइव पार्ट ऑफ द टोटल दैट इज थर्टी सिक्स बाई हंड्रेड और थर्टी सिक्स परसेंटेज तो ये हमारा थर्टी सिक्स परसेंटेज आया तो यहाँ पे जो हम यहाँ डिवाइड किए फोर से डिवाइड करना है फोर्टी एट और हंड्रेड को फोर से डिवाइड करना फोर से डिवाइड करेंगे दोनों को अगर डिनोमिनेट यहाँ देखो हंड्रेड फोर हंड्रेड जो है फोर में डिविजिबल है तो जो हम फोर से डिजिबल डिवाइड करेंगे और ये भी जो फोर्टी एट है वो भी फोर के टेबल्स में जाएगा तो फोर ट्वेल्व ज़ा फोर्टी एट फोर ट्वेंटी फाइव जा हंड्रेड तो ऐसे हमें ये दोनों डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर एक से डिवाइड करना और यहाँ पे फ्रैक्शन में जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा एग्जाम्पल था अभी मैं प्रैक्टिस सेट थर्टी सॉल्व करके आपको बताऊंगी प्रैक्टिस सेट थर्टी First question Sabna scored seven three six marks seven hundred and thirty six marks out of eight hundred in her exam what percentage. ऑफ दिड सी स्कोर अभी यहां एट हंड्रेड मार्क्स में से थ्री सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स मार्क्स स्कोर किया तो कितना परसेंटेज हुआ वो हमें फाइंड आउट करने मार्क्स

बाई हंड्रेड हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड हंड्रेड से तो यहाँ पर देखो एक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एट हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो ये हंड्रेड हंड्रेड कट हो जाएगा यहाँ का टू जीरो यहाँ का टू जीरो कट होगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स इक्वल्स टू सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एट अभी इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे डिवाइड करेंगे सी एस सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एट एट नाइन जा सेवनटी टू थ्री माइनस वन वन थ्री माइनस टू वन सेवन माइनस सेवन जीरो ब्रिंक डाउन दिस सिक्स एट टू जिक्सटीन सो एक्स इक्वल्स टू टू परसेंटेज सो so, पे देर फोर ना स्कोर नाइन्टी टू परसेंटेज तो ऑफ हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है परसेंट मार्क्स दिया है टोटल मार्क्स दिया है परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम लोग परसेंटेज को क्या करके करेंगे एक्स परसेंटेज करके कंसिडर करेंगे तो एक्स बाय हंड्रेड इक्वल्स टू सेवन थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एट हंड्रेड तो दोनों साइड हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो एक्स के पास से दोनों हंड्रेड कट हो जाएगा तो यहाँ पे ज़ीरो जीरो कट होगा तो यहाँ हमें आंसर बचेगा सेवन हंड्रेड थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एट तो सेवन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स को एट से हम डिवाइड करेंगे तो नाइन्टी टू आएगा तो हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि उनका परसेंटेज नाइन्टी टू परसेंटेज है अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी नाउ सेकेंड क्वेश्चन सोहम रिसीव फोर्टी मैसेज ऑन हिस बर्थडे of these 90% were birthday greeting how many other message did he get beside द ग्रीटिंग सो हम बर्थडे मैसेज में फोर्टी मैसेज आया जो कि नाइन्टी परसेंट जो था ग्रीटिंग था और उनके बर्थडे में और कितना मैसेज मिला वो हमें फाइंड आउट करना है सो आंसर सो हम रिसीव एक्स मैसेज फॉर बर्थडे ग्रीटिंग सो हियर x by फोर्टी equals to 90 by हंड्रेड नाइंटी परसेंट है ना उसे नाइन्टी बाई हंड्रेड लेंगे एक्स बाई एक्स हम कंसिडर किए मैसेज और यहाँ पे कितना मैसेज है फोर्टी है तो यहाँ फोर्टी लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स बाई फोर्टी ना तो बोथ द साइड हम फोर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई एक्स के नीचे जो रहेगा वो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाई बोथ द साइड फोर्टी फोर्टी से बोथ द साइड मल्टीप्लाई करना तो यहाँ एक्स बाई फोर्टी इंटू फोर्टी टू नाइनटी बाई हंड्रेड इंटू फोर्टी 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 कट जीरो जीरो कट सो so, यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू नाइन टी इंटू फोर बाई टेन तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो कट हो जाएगा निनोमिनेटर न्यूमिनेटर में सिंगल सिंगल जीरो ज़ीरो कट हो जाएगा x इक्वल्स टू नाइन इंटू फोर नाइन इंटू फोर कितना होगा थर्टी सिक्स होगा तो यहाँ पे थर्टी सिक्स आया बाद में हम यहाँ लिखेंगे अदर मैसेज इक्वल्स टू फोर्टी माइनस थर्टी सिक्स तो हमें यहाँ मैसेज मिला उनको थर्टी सिक्स मैसेज मिला तो अदर मैसेज कितना हुआ फोर्टी माइनस थर्टी सिक्स फोर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे देर फोर सो हम रिसीव्ड फोर अदर मैसेज बिसाइड द ग्रीटिंग ग्रीटिंग के विसाइड में उन्हें फोर अदर मैसेज मिला है तो इससे हमें यहाँ मालूम पड़ता है कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे देखो सोहम so, को मैसेज मिला है फोर्टी उसमें से नाइन्टी परसेंट ग्रीटिंग था तो नाइन्टी परसेंट ग्रीटिंग था तो कितना मैसेज हुआ वो फाइंड आउट करना है तो उसमें से अदर मैसेज कितना हुआ वो तो हम यहाँ पे सोहम so, का ग्रीटिंग मैसेज कितना कंसिडर करेंगे हम एक्स करके कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एक्स बाय फोर्टी आएगा फोर्टी अदर मैसेजेस से तो यहाँ पे नाइन्टी परसेंट है नाइन्टी बाय हंड्रेड आएगा उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स के नीचे जो नंबर डिनोमिनेटर नंबर रहता है एक्स के नीचे तो उससे हमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, तो 40 है, तो में 40 से X 40 40, तो 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 है है में से पे 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 कट कट हो जाएगा तो यहां पे 90 100 40 है, तो उसके बाद यहां पे बचेगा एक्स इक्वल टू नाइन बाई टेन इंटू फोर्टी इंटू फोर फोर्टी यहाँ पे जीरो तो वो जीरो जीरो कट होगा तो यहाँ पे एक्स इंटू फोर बचेगा एक्स फोर ज़ा थर्टी सिक्स नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स आएगा तो एक्स का आंसर है थर्टी सिक्स सो so, so, हमको थर्टी सिक्स मैसेजेस मिला है तो वहां से अदर मैसेजेस कितना हुआ फोर्टी माइनस थर्टी सिक्स करेंगे उनका रिसीव्ड मैसेज फोर्टी था तो ग्रीटिंग नाइन्टीस था तो नाइन्टी परसेंट जो था ग्रीटिंग मैसेज़ था तो हम उसको नंबर में कन्वर्ट किए तो थर्टी सिक्स आया तो फोर्टी माइनस थर्टी सिक्स फोर होगा आंसर तो अदर मैसेजेस उनका फोर है इन द इलेक्शन One zero eight zero of the one hundred and one thousand two hundred women's in Jambul village cast their oat while. One thousand three hundred and sixty of the seventeen hundred in Gaon cast their vote, in which village did a greater. प्रपोजिशन ऑफ वुमेन कास्ट देर ओट सो यहाँ पे देखो दो विलेज दिया है तो हमें दोनों विलेज में से कौन सा विलेज में ज्यादा वोट मिला ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ए लेट एक्स परसेंटेज ऑफ द वुमेन

So, अभी यहाँ पे x के नीचे हंड्रेड है तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय हंड्रेड तो यहाँ पे x बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड इक्वल्स टू वन नॉट एट जीरो बाई थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो यहाँ पे जीरो हंड्रेड कट हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो जीरो कट होगा तो x एक्सल टू वन नॉट एट जीरो बाई तो अभी इसको डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे ट्वेल। अभी ट्वेल्व से हम थाउजेंड एटी को डिवाइड करेंगे ट्वेल्व ट्वेल नाइन सा वन नॉट एट आएगा तो यहाँ जीरो जीरो है आएगा जीरो डाउन लाएंगे ट्वेल्व जीरो जा जीरो तो हमारा एक्स इक्वल्स टू तो नाइन्टी आएगा तो यहाँ पे एक्स का आंसर मिला अभी दूसरा क्वेश्चन है लेट वाई परसेंट ऑफ दुमन फ्रॉम वाड़ा गांव विलेज कॉस द ओ देउजेंड थ्री सिक्सटी बाई थाउजेंड सेवन हंड्रेड तो यहां वाई के नीचे हंड्रेड है तो बोध द साइड हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बोध द साइड बाई हंड्रेड बोथ द साइड बाय हंड्रेड वाई बाय हंड्रेड इन टू हंड्रेड इक्वल टू थाउजेंड थ्री सिक्सटी बाय से थाउज से हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो यहाँ पे जीरो जीरो कट यहाँ पे जीरो यहाँ हंड्रेड कट यहाँ पे, पे जीरो जीरो कट तो वाई वाईक्वल टू थाउजेंड थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई सेवेंटीन अभी इसको हम डिवाइड करेंगे थाउजेंड थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय सेवेंटीन सेवेंटीन एट जॉ वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स सो तो ज़ीरो जीरो ब्रिंग डाउन दिस ज़ीरो सेवेंटीन जीरो जा जीरो, जीरो तो वाई इक्वल्स टू तो एटी तो यहाँ पे एक्स एक, एक का आंसर आया नाइन्टी तो वहाँ पे वाडा जाम्बुल विलेज में नाइन्टी परसेंट वोट पड़ा है वहीं पे वाडा गांव में एटी परसेंट तो यहाँ हमें मालूम पड़ता है डेढ़ फोर X is greater than Y. So here we will write, therefore, the woman from Jambul village cast a greater proportion. of O. तो यहाँ पे हम x और y का आंसर फाइंड आउट किए तो यहाँ पे जाम्बुल विलेज में वोट ज़्यादा पड़ा है वहाँ 90 परसेंट पड़ा है वहीं पे वाड़ा गांव में 80 परसेंट पड़ा है तो यहाँ पे मैं अपना प्रैक्टिस सेट 40 सॉरी uh, प्रैक्टिस सेट 30 फिनिश कर रही हूँ सो हियर आई फिनिश माय प्रैक्टिस सेट 13 माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रैक्टिस सेट थर्टी